आप देख रहे हैं दखल न्यूज। शाहीन बाग से आया देश विरोधी वीडियो, बीजेपी ने कहा यह शाहीन बाग नहीं तौहीन बाग। भूकंप से हिला पूर्वी तुर्की, मकान हुए क्षतिग्रस्त, कई लोगों की मौत, 500 लोग घायल। माफिया को लेकर बीजेपी का कमलनाथ सरकार पर हमला, बीजेपी देगी सरकार को माफिया की लिस्ट। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर, कहा पूरे प्रदेश में फैला हुआ है भ्रष्टाचार। और होशंगाबाद में नौ नर्मदा नदी में पलटी, 7 लोगों को बचाया गया, 2 लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सरजील इमाम नाम के एक व्यक्ति का ये वीडियो जारी किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि ये वीडियो जिहाद का आह्वान है। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग क्यों चाहते हैं कि भारत की सेना असम नहीं पहुंचे, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश है। बीजेपी ने शाहीन बाग को तौहीन बाग की संज्ञा दी है। शर्जील इमाम के इस देश विरोधी वीडियो को ट्विटर पर शेयर करने के तुरंत बाद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां भी वीडियो जारी किया। संबित पात्रा ने कहा जिस प्रकार की बातें शाहीन बाग में हो रही हैं, उसे दिशाहीन बाग कहना चाहिए। दिशाहीन बाग क्या, तौहीन बाग कहना चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि ये हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को तौहीन के रूप देखता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए यहां साजिश रची जा रही है। संबित पात्रा ने कहा कि इस भाषण में जिस तरह की देशद्रोह की बातें की गई हैं, वो चिंताजनक हैं। संबित पात्रा ने कहा कि इस वीडियो में कहा गया है कि असम को इंडिया से काटने की जिम्मेदारी हमारी है। संबित पात्रा ने कहा शाहीन बाग और शाहीन बाग में जो सोच है, उस सोच की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार भारत को टुकड़े टुकड़े करके बांटना है और असम और पूर्वोत्तर को पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया से अलग कर देना है। समित पात्रा ने कहा कि ये किस तरह की साजिश है, ये पूरी तरह से इंडिया को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। संबित पात्रा ने कहा कि ये खुले तौर पर जिहाद का आह्वान है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग क्यों चाहते हैं कि देश की सेना असम नहीं पहुंचे। पहले देखिए देश विरोधी शर्जील इमाम का वीडियो। पटरियों पर रोक पे उनको हटाने नहीं कोई ना लगे, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा। फौज के हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर रोड पे उनको हटाने नहीं कोई ना लगे, ठीक ही नहीं। जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन टाइम में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत। इस वीडियो पर असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग प्रदर्शन का मुख्य आयोजनकर्ता कह रहा है कि असम को पूरे भारत से काटकर अलग कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बयान का संज्ञान लिया है और इस मामले में केस दर्ज करवाने जा रही है। शर्जील इमाम JNU का छात्र बताया जा रहा है, जिसमें वो पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की बात कह रहा है। भाजपा का दावा है कि यह वीडियो शाहीन बाग में दिए भाषण का है। शर्जील कह रहा है कि 5 लाख लोगों को एक इस आंदोलन में लगाना है, भले ही 1 महीने के लिए, लेकिन असम को देश से अलग कर देना है, सेना भी वहां नहीं पहुंचना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने और वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया के साथ शाहीन बाग में जो हुआ उसके बाद ये तय हो गया है कि शाहीन बाग में आंदोलन के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इधर शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में लिखा है कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाना चाहिए।
तुर्की में उस वक्त हाहाकार मच गया जब 6.8 की तीव्रता का एक भूकंप पूरे पूर्वी तुर्की को हिला गया। इस भीषण भूकंप में अब तक 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं इससे भारी तबाही मची है। इस भूकंप में जहां सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है, वहीं 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप तुर्की के पूर्वी इलाके में स्थित इलाजिंग प्रांत के अखिसर से 11 किलोमीटर उत्तर में आया है। भूकंप के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है और राहत और बचाव कार्य जारी है। भूकंप के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई और लोगों के बीच दहशत का माहौल था। एक 47 साल के शख्स ने बताया कि यह बहुत डरावना था। भूकंप के बाद सारा फर्नीचर हम पर आकर गिर गया। भूकंप के बाद लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां उनके घर तबाह हो चुके हैं और बिजली नहीं है, वहीं कड़ाके की ठंड में उन्हें सड़क पर रात गुजारनी पड़ रही है। तुर्की ऐसी जगह पर स्थित है जो भूकंप के लिए अनुकूल जगहों में शामिल है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। देश के आंतरिक मंत्रालय ने 25 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। राहत और बचाव दल की टीमें लोगों को मलबे में तलाश रही हैं। भूकंप के कारण इल्जिंग में एक 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है, जिसके मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले तुर्की में 1994 में भीषण भूकंप आया था। 7.4 की तीव्रता के उस भूकंप ने पश्चिमी तुर्की के इज़मित को तबाह कर दिया था। इस भूकंप में 17,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, वहीं हजारों लोग घायल हो गए थे। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने माफियाओं को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में अपराधी बाहर से आ रहे हैं। कमलनाथ के मंत्रियों के साथ अपराधियों के फोटो आ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस को जल्दी अपराधियों और माफियाओं की लिस्ट सौंपेगी। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि भाजपा ने 15 सालों में कई काम किए हैं, माफिया और डकैत खत्म किए, कांग्रेस प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रही है। रामपाल ने कमलनाथ सरकार पर माफिया मुहिम को लेकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार के मंत्रियों के साथ अपराधी फोटो खिंचवा रहे हैं, एमपी में बाहर के अपराधी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जल्द कांग्रेस सरकार को भू माफियाओं और अपराधियों की सूची देगी। हमारी सरकार बीजेपी सरकार ने 15 साल में पूरे माफिया और डकैतों को मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया था। हमारी सब बीजेपी की सरकार जाते ही जितने माफिया अपराधी तत्व हैं वो सक्रिय मध्य प्रदेश में हो गए हैं और उनको दबाने का कांग्रेस काम करे तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए पार्टी ने प्लान बनाया है, जहां अतिक्रमण है इनका, अपराधी हैं, पूरी सूची भी देंगे, उन पर वो कार्रवाई करें तो अच्छा रहेगा। सिंगरौली में भाजपा ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार के मंत्री अवैध उत्खनन और वसूली कर रहे हैं। प्रदेश इस समय बड़े बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रहा है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा ने कमलेश्वर पटेल को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। राजगढ़ के ब्यावरा में कलेक्टर के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारने और लाठीचार्ज करने के विरोध में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की अगुवाई में सिंगरौली भाजपा द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन कलेक्टर परिसर के बाहर किया गया, जिसमें आम जनमानस के साथ जिले के समस्त विधायक, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान कटनी के पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव के साथ तीनों विधायक मौजूद रहे। भाजपा वक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में राजनीति का बुरा समय चल रहा है, प्रदेश बुरे दौर से गुजर रहा है। सरकार द्वारा बैठाए गए लोक सेवकों को संविधान तक की जानकारी नहीं है। भाजपा पूरे प्रदेश में गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रही है। कांग्रेस सरकार में मजदूर, किसान, व्यापारी आहत हैं। भाजपा ने कमलनाथ सरकार की मंत्रियों पर अवैध उत्खनन, वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सरकार दूध की डेयरी की जगह पर शराब की उप दुकानें खोलने जा रही है। भाजपा ने कमलेश्वर पटेल को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। होशंगाबाद के रामनगर गांव में आज एक नाव नर्मदा पार करते वक्त यात्रियों सहित अचानक पलट गई, जिससे नाव में सवार 9 लोग नर्मदा में डूबने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नाव में सवार 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है और एक बच्चा लापता बताया जा रहा है। रामनगर गांव में नर्मदा घाट पर कुशवाहा समाज के 9 लोग एक नाव में सवार होकर नर्मदा पार कर रहे थे। इसी दौरान नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक सभी नर्मदा परिक्रमा पर अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से 7 लोगों को सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। देर शाम हुई घटना के बाद
सेमरी हरचंद और सुहागपुर थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से सर्चिंग अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से लापता बच्चों को ढूंढने में सफलता नहीं मिल पाई है। 900 मेरे पास चार बच्चियां एक लेडी लेके आई और बच्चियां और महिला सभी स्वस्थ हैं, उनको ऐसी कोई वो नहीं पाई गई। बाकी जो मिसिंग है शायद वो सुहागपुर के लिए गए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। दर्शकों को सिद्धांता रेडक्रॉस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और मैं आशा करूंगा कि सारे देशवासी स्वस्थ रहें इस साल एवं मस्त रहें। मैं अतुल भारद्वाज, किसान बिल्डर एंड डेवलपर की तरफ से सभी देशवासियों को दखल न्यूज के माध्यम से 26 जनवरी की हार्दिक बधाइयां देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिवनी में भाजपा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर प्रदेश सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। इस दौरान प्रदेश मंत्री कन्हैया राम रघुवंशी से जब पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव के कलेक्टर पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सवाल किए गए तो नेताजी पत्रकार पर भड़क गए और उन्होंने पत्रकार को ऑफिस में आकर इस मामले में बहस करने की चुनौती दे दी। सिवनी में भाजपा के प्रदेश मंत्री उस समय अपना आपा खो बैठे जब उनसे पूर्व मंत्री बद्रीलाल द्वारा राजगढ़ कलेक्टर पर अभद्र टिप्पणी के बारे में पूछा गया। कन्हैया राम रघुवंशी सवाल करने पर भड़क गए और उन्होंने पत्रकार को ऑफिस में आकर इस मामले में बहस करने की चुनौती दे दी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार के द्वारा भू माफिया को लेकर चलाए जा रहे अभियान को भेदभावपूर्ण बताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए और कमलनाथ को सद्बुद्धि दिलाने की बात कही। अभी ये बताइए, आपके पूर्व राजमंत्री ने टिप्पणी के आधार पे एक आईएएस पे कहा, मिनट पे क्या आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बोलिए बोलिए, समझे ना, बोलिए। वो उसके लिए कार्यालय जाइए, जरा बहस कर लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये मध्य प्रदेश में जो सरकार है कांग्रेस की, ये दुर्भावनापूर्ण जो कार्रवाई कर रही है, इसी के लिए आज हमने पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन किए हैं और कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर साहब राज्यपाल महोदय को भेजेंगे और हमारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करेंगे, इसका भी हमने जो है उसमें वर्णन किया है। और उनको सद्बुद्धि दे कमलनाथ जी को, और वो जो है जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं तो हमारे हमारे एक सांसद महोदय को भी जवाब चाह रहा हूं आपका, वरिष्ठ अधिकारी निकाला गया है सीहोर से। भाजपा का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन होशंगाबाद में हुआ, जिसका नेतृत्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने किया है, जिसमें कमलनाथ सरकार के माफिया अभियान पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि भाजपा भी अपने स्तर से जिले भर के वास्तविक माफिया की सूची बना रही है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। होशंगाबाद में आज भाजपा के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने किया। होशंगाबाद के पीपल चौक पर हुई सभा में भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर तीखे सियासी हमले किए। कलेक्ट्रेट जाते समय मुख्य गेट पर भाजपाई और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। इस दौरान भाजपाइयों ने ज्ञापन लेने आए डिप्टी कलेक्टर को लौटाते हुए अपर कलेक्टर को बुलाने की मांग की। वहीं कमलनाथ सरकार के माफिया अभियान पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने कहा कि भाजपा भी अपने स्तर से जिला भर के वास्तविक माफिया की सूची बना रही है जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माफिया की यह सूची हम सीएम को भी देंगे और विधानसभा में भी उजागर करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने राजनीति में भाषा की मर्यादा के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि शालीनता से अपनी बात करनी चाहिए। प्रशासन माफिया के साथ मिल गया और जो निर्दोष लोग हैं या जो उनके विरोधी भारतीय जनता पार्टी के या अन्य राजनीतिक विरोधी हैं उनको माफिया घोषित करके और कार्रवाई की जा रही है। तो सवाल यह नहीं है कि पहले था कि नहीं, सवाल यह है कि आज
प्रशासन जो वास्तविक माफिया उनको खुलकर सपोर्ट कर रहा है, और जो लोग माफिया नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास में परमिशंस है, उनको माफिया बता करके डरा धमका रहा है। और यदि वो राजनीतिक विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, तो उनको धमकियां दे रहा है, उनकी सूची। माफिया पर कार्रवाई के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को परेशान किए जाने के खिलाफ बीजेपी ने छतरपुर में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और ललिता यादव शामिल हुए। छतरपुर में कमलनाथ सरकार द्वारा माफियाओं के नाम पर आम लोगों और बीजेपी के लोगों को परेशान किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री ललिता यादव की अगुवाई में कलेक्ट्रेट का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। बीजेपी कार्यालय से एक रैली की शक्ल में बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कमलनाथ सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, कमलनाथ की सरकार माफियाओं के नाम पर जनता और बीजेपी के लोगों को परेशान कर रही है। एमपी में कांग्रेस ने आपातकाल जैसे हालात कर दिए हैं। प्रदेश में आतंक का वातावरण है। सरकार लोगों में भय पैदा कर लूटने का काम कर रही है। आपातकाल जैसे हालात कर दिए हैं। जैसा आपातकाल में विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था, उसी तरह से अन्य अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सरकार कर रही है। माफिया के नाम पर पूरे प्रदेश में वसूली हो रही है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अधिकारी जनता अगर जा रही है तो मारपीट कर रहे हैं। जिनको संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, आपातकाल लगा हुआ है। इसके खिलाफ आज छतरपुर कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये ज्ञापन दिया है, और हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि इसको जो पक्षपात सरकार कर रही है वो ना करे, और ये सारे मामले सरकार देखे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कुशासन एवं प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार एवं दमनकारी नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अशोकनगर में जिलाधीश कार्यालय का घेराव किया। अशोकनगर में बीजेपी नेता पूर्व विधायक नरेंद्र विरथरे एवं भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि हाल ही में राजगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं व नागरिकों के साथ कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मारपीट की व राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया, और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस प्रकरण बनाए गए। इसी तरह प्रदेश में भाजपा समर्थकों, भाजपा कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ झूठी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अधिकारियों को स्वच्छंद कार्रवाई के लिए छोड़ दिया था, कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब यहाँ पुराने बस स्टैंड पर एक बिल्डिंग बनी है, बताते हैं वो किसी विधायक के रिश्तेदार की है, उसके कागज मंगा के देख ले प्रशासन कि वो अतिक्रमण में है या उसकी खुद की जमीन में, बात समझ में आ जाएगी। ये हंडी का एक दाना है, निकाल के देख लें तो समझ में आ जाएगी कि पकी है पूरी हंडी या नहीं। संघर्ष करेंगे, अगर अधिकारियों ने चाटुकारिता करके कांग्रेस के नेताओं के हिसाब से काम किया तो अभी चेतावनी दी है, फिर कलेक्ट्रेट में घुस करके आंदोलन करेंगे। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया। सिवनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सिवनी कलेक्टर का घेराव किया। भाजपा के महामंत्री कन्हैया राम रघुवंशी के नेतृत्व में सिवनी विधायक दिनेश राय, मुनमुन एवं केवलारी विधायक राकेश पाल के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर का घेराव करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज माफिया के नाम पर जो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दमन पूर्वक कार्रवाई की जा रही है, मध्य प्रदेश के 52 प्रशासनिक जिलों में धरना करके और कलेक्ट्रेट का घेराव करने का निर्णय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। मुझे सिवनी जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मुझे भेजा गया है, और मध्य प्रदेश में जो माफिया के नाम पर भाजपा कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा है, सागर में खुलेआम हरिजन को, अहरवार को दलित को जलाया गया है, साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि उन्होंने जो वचन पत्र देकर के सत्ता में आए हैं, सरकार को एक साल हो गए पर एक भी वचन पत्र का उन्होंने पालन नहीं किया।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। दर्शकों को सिद्धांता रेडक्रॉस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और मैं आशा करूंगा कि सारे देशवासी स्वस्थ रहें इस साल एवं मस्त रहें। मैं अतुल भारद्वाज, ईशान बिल्डर एंड डेवलपर की तरफ से सभी देशवासियों को दखल न्यूज के माध्यम से 26 जनवरी की हार्दिक बधाइयां देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सिंगरौली में पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की और कई जगहों पर छापामार कार्रवाई करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 चोरों से 19,40,000 कीमत की 33 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अलग अलग जगहों से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 19,40,000 कीमत की 33 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। एसपी अभिजीत रंजन ने कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मोटरसाइकिलें चोरी कर आसपास के लोगों को सस्ते में बेच देते थे। आरोपी इतने शातिर थे कि मास्टर चाबी बनवा कर इससे मोटरसाइकिल का ताला खोलकर चोरी करते थे। टीआई नागेंद्र सिंह ने नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कई जगह पर छापामार कार्रवाई की और चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 22/1/2020 को मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में जब तलाशी की जा रही थी तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दासाराम सिंह गौड़ और रमा शंकर सिंह गौड़, इनके पास चोरी के मोटरसाइकिल थे। पुलिस के द्वारा जब इनको अपनी गिरफ्त में लिया गया और इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके पास से न केवल मोटरसाइकिल बरामद हुई बल्कि 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, राम लल्लू सिंह गौड़ और सिपाही लाल सिंह गौड़। छत्तीसगढ़ चुनाव में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब और मादक पदार्थों पर लगाम कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 4 शराब तस्करों से 155 पेटी शराब जब्त की गई है। थाना पंडरिया प्रभारी अनिल कुमार शर्मा एवं थाना कुकदूर प्रभारी उप निरीक्षक ब्रजेश सिन्हा ने टीम गठित कर अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें थाना कुकदूर व पंडरिया पुलिस टीम ने नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। इसी दौरान पुलिस को देखकर संदिग्ध वाहनों के चालकों की गति को और तेज कर भागने लगे, जिस पर टीम द्वारा उनका पीछा कर उनकी घेराबंदी की गई और वाहनों की तलाशी ली, जिसमें होंडा सिटी CRV से रोमियो विस्की 70 पेटी जब्त की गई, हुंडई i20 वाहन से 40 पेटी शराब जब्त की गई, एक फोर्ड इको स्पोर्ट वाहन से 45 पेटी केजी रोमियो विस्की मिली। इस शराब की अनुमानित कीमत 7.5 लाख रुपए है। तस्करी में उपयोग किए गए 3 लग्जरी वाहनों की कीमत 23 लाख रुपए आकी गई है। शराब तस्करों पर आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। छिंदवाड़ा के परासिया जनपद पंचायत में मतदाता दिवस मनाया गया। मतदान हर भारतीय का एक महत्वपूर्ण अधिकार है और जब मतदाता मतदान करने आए तो उसे मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इस संबंध में जानकारी दी गई। जिला छिंदवाड़ा के परासिया में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें परासिया जनपद CEO के नेतृत्व में समस्त कर्मचारियों ने शपथ ली और मतदाता दिवस मनाया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस में बताया गया कि चुनाव में सभी मतदाताओं को सुरक्षित मतदान कराते समय मतदाता की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ये खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकल कर आए। 10वें अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय का एक संदेश का वाचन किया गया एवं मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ का सभी लोगों ने वाचन किया एवं शपथ ग्रहण की। हमारे जनपद पंचायत के
सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने इसमें सहर्ष रूप से हिस्सा लिया और मैं सभी को इस मौके पे बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। लखनऊ दौन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने CAA और NRC का विरोध किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार चुनाव के दौरान किए गए वचनों को भूल गई है। सिवनी के लखनऊ दौन में आदिवासियों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रैली निकाली और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने CAA और NRC का विरोध किया। गोंगोपा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर तुमराम ने मंच से केंद्र सरकार पर हिंदुस्तान को अंतर कलह की ओर धकेलने का आरोप लगाया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस वचन पत्र में किए वादों को भूल गई है। स्थानीय वक्ताओं ने मंच से कमलनाथ सरकार को उनकी 9 अगस्त 2019 में छिंदवाड़ा के मंच से की गई घोषणा को याद दिलाया, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिवासियों के गिरवी रखे जेवरों की वापसी की बात कही थी। माननीय कमलनाथ जी की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उन्होंने छिंदवाड़ा जिले पर 9 अगस्त 2019 को विश्व आदिवासी दिवस के मंच पर कहा था कि साहूकारों के यहाँ जो जमीन और जेवर आदिवासियों की गिरवी रखी अधिसूचित क्षेत्र पर, उन्हें जल्द से जल्द वापस कराने का काम करेगी और उनकी सरकार उन्हें बैंकों द्वारा उन्हें साहूकारों को पैसे वापस देने का काम करेंगी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आने वाले समय में साहूकारों के यहाँ से कर्ज मुक्त कराने का काम करें। आदिवासी दिवस 9 अगस्त के अवसर पर छिंदवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो साहूकारी लाइसेंस के संबंध में घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं के पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जो है जो साहूकारों के पास यदि कोई जेवर या इस तरह की कोई राशि रखी हुई है, तो जेवर वापसी के संबंध में जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई थी, उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा 2 लाख तक के कर्ज जो घोषणा में थे उनका भी जो है पूर्ति अभी दिनांक तक नहीं हो पाई है, ऐसा उनका कहना है, अतः इसका जो है पालन सुनिश्चित कराया जाए। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय तथा माननीय राज्यपाल महोदय के महामान्य राज्यपाल महोदय के पास के नाम से भी ज्ञापन उन्होंने सौंपा। राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ लोगों को दिलवाई जाएगी। इस दौरान ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं ताकि लड़कियों को लेकर लोग जागरूक हों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं किशोरी बालिका योजना के तहत 30 जनवरी तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। संत हिरदाराम नगर नगर निगम जोन 1 कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना के अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लड़कियों को समान अधिकार देने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित कई अहम विषय पर जागरूकता लाने के लिए अपने सुझाव दिए। यहां तय हुआ कि 30 जनवरी तक जिले के समस्त बाल विकास परियोजना के सेंटर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समारोह, हस्ताक्षर अभियान, पोषण से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह मनाया जा रहा है, 24 जनवरी से 30 जनवरी तक मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, जिसमें आज ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया है। नगर निगम और नंदग्राम नर्सरी के संयुक्त तत्वाधान में राजनांदगांव शहर की पुष्प वाटिका में 3 दिनों तक चलने वाले पुष्प महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रकृति और सुधार राजनांदगांव थीम पर पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया। दुर्ग संभाग के कमिश्नर दिलीप वासनिकर ने राजनांदगांव शहर के न्यू सर्किट हाउस के सामने 3 दिवसीय पुष्प महोत्सव का शुभारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रकृति की ओर सुघर राजनांदगांव थीम पर पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन नगर निगम राजनांदगांव एवं नंदग्राम नर्सरी द्वारा संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के पुष्प वाटिका में 3 दिनों तक चलने वाले पुष्प महोत्सव का शुभारंभ दुर्ग संभाग आयुक्त दिलीप वासनिकर और कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने पुष्प से बनी गणेश प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक BS ध्रुव, अपर कलेक्टर ओंकार यदु, SDM राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कमिश्नर दिलीप वासनिकर ने इस अवसर पर कहा कि मानव जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है और मानव प्रकृति से अलग नहीं है, हम प्रकृति से जुड़कर उसका आनंद ले सकते हैं। ये जो पुष्प महोत्सव का शुभारंभ नगर पालिक निगम राजनांदगांव के प्रयास से और यहाँ के जनता के जनप्रतिनिधि हैं, MIC मेंबर सभी राजनांदगांव वासियों की उपस्थिति में आज ये पुष्प वाटिका का कार्यक्रम जो 3 दिनों के लिए शुभारंभ हुआ है, बहुत अच्छा प्रयास है।
बहुत साफ सुथरा और बहुत स्वस्थ है ना लग रहा है। यहाँ पर माहौल भी है ना बहुत बढ़िया है, तो इसका राजनांदगांव वासी है ना लुत्फ़ उठाएं। इससे हमें प्रेरणा है ना मिलती है कि प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को संरक्षित है ना रखना है, अपने नगर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।